लोकवाणी आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। लोकवाणी की 10वीं कड़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत भर धन्यवाद। जम्मो सुनैया, दाई दीदी, सियान जवान और लैका मल्ला, जय जोहार, नमस्कार। मोला बड़ खुशी लागथे कि देखत देखत लोकवाणी के 10वीं कड़ी आगे है। आप मन बड़ जतन लेके ये काम करत हो। सुनैया मन के प्यार और दुलार के कारण ही हमारे ये संवाद है बने सफल होते। आप मन सुरता करके सुनथो और अपन प्रतिक्रिया घलो भेजथो, तेकर बर साधुवाद। प्रश्न पूछैया और सुझाव देवैया मन ला घलो साधुवाद, काबर के आप मन के बिना तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं सका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का विषय है समावेशी विकास, आपकी आस। सबसे पहले हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि समावेशी विकास के बारे में आपकी अवधारणा और आपके विचार क्या हैं? समावेश का सरल अर्थ होता है समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। सर्वे भवन्तु सुखना के वेद वाक्य में भी यही भावना है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सवाल उठता है कि प्रचलित व्यवस्था में किसका समावेश नहीं है, कौन छूटा है? तो सीधा जवाब है, जिसे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, जिसके पास गरिमापूर्ण आजीविका का साधन नहीं है, विकास के अवसर नहीं है, या जो गरीब हैं, वही वर्ग तो छूटा है। हमारी प्रचलित अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयास शुरू ही नहीं हुए, बल्कि यह कहना उचित होगा कि वह मुहिम कहीं भटक गई, कहीं जाकर ठहर गई। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, शास्त्री जी, आज़ाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू किया था। उसी की बदौलत भारत की बुनियाद हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हुई थी। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना काल 2007 से 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास के अवधारणा को काफी मजबूती के साथ रखा गया था। याद कीजिए, उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, अर्थात देश की बागडोर कुशल अर्थशास्त्री के हाथों में थी। लक्ष्य था देश के जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक लाना है। यह भी तय हुआ था कि विकास दर को लगातार 10% तक बनाए रखना है, ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल 2012 से 2017 के लिए भी जीडीपी को 9 से 10% के बीच टिकाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। आज भारत की विकास दर 3% के आसपास है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की विकास दर में लगभग 24% की गिरावट दर्ज की गई है, जो दुनिया में सर्वाधिक गिरावट है। कोरोना की समस्या तो पूरी दुनिया में है। अमेरिका के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित होने के बावजूद वहां की जीडीपी मात्र 10% गिरी है, जबकि भारत की जीडीपी दुनिया में सर्वाधिक 24% गिरी है। इस हालत को समझना होगा, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से ही संभव है। हम अपने राज्य में समावेशी विकास की अलग जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मार्च 2020 की स्थिति में केवल एम्स रायपुर में ही कोविड टेस्टिंग की सुविधा थी, जिसे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। आज की स्थिति में राज्य के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 4 निजी लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट, 30 लैब में ट्रूनेट टेस्ट तथा 28 जिला अस्पतालों सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। मार्च 2020 में प्रदेश में कोरोना संक्रमित
मरीजों के उपचार की सुविधा केवल एम्स रायपुर में थी, लेकिन राज्य शासन ने सुनियोजित कार्य योजना से अब तक 29 शासकीय 29 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 186 कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर दी गई है। 19 निजी अस्पतालों को भी उपचार हेतु मान्यता दी गई है। मार्च 2020 की स्थिति में 54 ICU बिस्तर तथा 446 जनरल बेड उपलब्ध थे, जिसमें बढ़ोतरी करते हुए अब 776 ICU बेड्स तथा 28,335 जनरल बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सुविधा हेतु 148 वेंटिलेटर थे, जो अब बढ़कर 331 हो गए हैं। भाइयों और बहनों, संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। बीमारी के बारे में होने वाली चर्चाओं से कई बार धीरज छूटता है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है सब लोग मिलकर हिम्मत का परिचय दें। सावधानी और साहस से यह दौर भी निकल जाएगा। अभी जो नया ट्रेंड है उसके अनुसार राज्य में ज्यादातर व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक श्रेणी में आ रहे हैं। इसको लेकर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फेस मास्क और फेस शील्ड के महत्व को समझें। हाथ साफ करने के लिए साबुन पानी सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ से बचें। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के होम आइसोलेशन की सुविधा भी नियमानुसार उपलब्ध है। लगातार समीक्षा और सुधार से स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। हमें टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी, उपचार हेतु मार्गदर्शन व दवाइयां उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी है। फिर एक बार कहता हूं कि संकट अभी टला नहीं है, सावधानी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने समावेशी विकास की अवधारणा को काफी अच्छे ढंग से समझाया। अब ये बताने का कष्ट करें कि समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लागू किया जा रहा है। समाज के जो लोग, चाहे वे छोटे किसान हों, गांव में छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग हों, खेतहर मजदूर हों, वनोपज पर आश्रित रहने वाले वन निवासी तथा परंपरागत निवासी हों, चाहे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाएं हों, ग्रामीण अंचलों में परंपरागत रूप से काम करने वाले बुनकर हों, शिल्पकार हों, लोहार हों, चर्मकार हों, वनोपज के जानकार हों, मेरा मानना है कि सभी के पास कोई न कोई हुनर है जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता है। समय की मार ने उनकी चमक, उनके धार को कमजोर कर दिया है। उनके कौशल को बढ़ाया जाए, उनके उत्पादों को अच्छा दाम मिले, अच्छा बाजार मिले, तो ये बड़ा योगदान कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था करना ही समावेशी विकास का मूल मंत्र है। हमें यह समझना होगा कि हर परिवार के पास आजीविका का साधन हो। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राज्य के संसाधन और उनकी आय के साधन सौंपकर हम आर्थिक विकास के लाभों के समान वितरण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दिसंबर 2018 से छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह की नीति रीति अपनाई है, उसे देखकर समावेशी विकास को समझा जा सकता है। हमें ये कहते हुए खुशी और गौरव की अनुभूति होती है कि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में समावेशी विकास को जमीनी हकीकत बनाया गया है और उसका असर भी दिखने लगा है। आइए सुनते हैं कुछ श्रोताओं के विचार और लेते हैं कुछ सवाल। मैं मनीष साहू कुरु से बोल रहा हूँ। सर, मैं छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों के लिए समृद्धि के लिए भी काम किया है, चाहे वो राजीव न्याय योजना के तहत किसानों के लिए हो या पशुपालन के लिए, गोधन के लिए, और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी सरकारी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो भेदभाव है अमीर और गरीब लोगों में वो दूर होगा। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे जो जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ पर सरकार की तरफ से सार्वजनिक उपक्रम के उद्योग धंधे खुलवाएं, ये मेरा उनसे निवेदन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और हम सभी लोग एक प्रकार से विकास कर सके, ये मेरा निवेदन है। सर, मैं लखमूराम भास्कर, ग्राम पंचायत चंदीन आपसे बोल रहा हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जिला दंतेवाड़ा में रोजगार केंद्र आमचो गाँव आमचो रोजगार की शुरुआत हुई है। सर, हमें जिला पंचायत की तरफ से सहायता मिली है अलग अलग रोजगार, जैसे कि किराना, साइकिल स्टोर और फोटोकॉपी दुकान, मतलब दुकान खोलने का मतलब अवसर मिला है। मैं अपने गांव में किराना के स्टोर दुकान खोला हूँ।
सर मेरा नाम सुरेश कुमार कश्यप है, मैं कक्षा 10वीं स्कूल शासकीय हाई स्कूल बालूद विकासखंड दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी कृषक है और माता स्व सहायता समूह में कार्य करती है। कोरोना काल में पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार की पढ़ाई स्वर द्वार और जिला प्रशासन द्वारा नई पहल ज्ञान गंगा ऑफलाइन सर्वर पंचायतों में लगाया गया है, जिसमें मोबाइल के डाटा के द्वारा अध्ययन सामग्री अपलोड कर लेता हूँ। इसके माध्यम से मेरे पिताजी को जैविक खेती के बारे में और मेरी माता को स्व सहायता समूह के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके लिए आपको और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता पढ़ाई के लिए मोबाइल देते हैं, परंतु कार्टून देखने के लिए मोबाइल नहीं देते। आपसे निवेदन है कि मेरे माता पिता को कह दे कि कार्टून देखने के लिए भी मोबाइल प्रदान करें। आप बोलेंगे तो वे आपकी बात जरूर मानेंगे। मनीष भाई, किसानों को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में कहा, निश्चित तौर पर इससे हमारे प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। 2 किस्त में 3,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। अब जल्दी ही पूरे 5,700 करोड़ रुपए के भुगतान का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमने न सिर्फ धान के किसानों को 25 रुपए क्विंटल देने का वादा पूरा किया है, बल्कि मक्का गन्ना के साथ छोटी छोटी बहुत सी फसलों का भी बेहतर दाम देंगे। हमने कर्ज माफी की, सिंचाई कर माफ किया और अब न्याय योजनाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई है। हर 15 दिन में हम खरीदे गए गोबर का भुगतान कर रहे हैं। स्व सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं। इस तरह से ग्रामीण जनता ही नहीं बल्कि अनेक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गांव के सभी वर्गों का एकजुट होना मेरे ख्याल से सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति भी है। जिस तरह से कुछ लोग गाय और शिक्षा प्रणाली को लेकर सिर्फ बातें करते थे, करते कुछ नहीं थे, उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारे 40 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश भी अब सम्मान का विषय बन गया है। पढ़ाई तुम्हार द्वार, पढ़ाई तुम्हार पारा जैसे लोक अभियानों से हमने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा है। जहाँ तक ब्लॉक स्तर पर उद्योग धंधा खोलने का सवाल है, तो यह बता दूं, हमें वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी जी ने न्याय योजना शुरू करने, हर ब्लॉक में फूड पार्क खोलने जैसे व्यवहारिक उपाय बताए थे। हमने 200 फूड पार्क खोलने की योजना बना ली है और इनमें से 100 से ज़्यादा के लिए जमीन का इंतजाम भी हो गया है। हमने औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने वाली नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है। लखमू राम भास्कर जी, यह जानकर खुशी हुई कि आमचो बस्तर, आमचो ग्राम, आमचो रोजगार के माध्यम से जो पहल हमने की है उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। परदेसी भाई, लक्की भाई और कई साथियों ने इस बारे में बताया है, सबको धन्यवाद। दंतेवाड़ा के छात्र सूरज कश्यप ने बताया कि पंचायत में लगाए सर्वर से उसे ही नहीं बल्कि उसके माता पिता को भी लाभ मिल रहा है। सूरज बेटा, आप लोगों के साथ मिलकर ही हमें बस्तर को बदलना है। मैं आपके माता पिता से कह देता हूँ कि आपको कभी कभी कार्टून और अन्य रोचक तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने दिया करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर आज भी ग्रामीण अंचल में बहुत जिज्ञासा है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें इस संबंध में चर्चा न हो। आइए एक सवाल लेते हैं। जी, मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, गर्रापार जिला राजनांदगांव से। नरवा गरवा घुरवा बारी आपके महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से हम समावेशी विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं या इसके माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, खासकर बेरोजगारी के संबंध में? मानवेंद्र भाई, हमारी सुराजी गाँव योजना को आप लोगों ने जिस तरह से हाथों हाथ लिया है उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। यह योजना वास्तव में ग्राम वासियों को ही चलानी है। नरवा का पानी सिंचाई के लिए भी जरूरी है और अन्य कार्य के लिए भी। गरवा, गौठान, गोधन न्याय योजना सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैविक खाद भी बन रही है और मूर्तियां भी। हर गौठान में समिति भी है और उसके साथ महिला स्व सहायता समूह भी बन रहे हैं। सब मिलकर अपने गाँव की जमीन को उपजाऊ भी बना रहे हैं और रोजगार का नया नया साधन भी अपना रहे हैं। गौठान, गोधन, बाड़ी, जैविक खाद निर्माण, विपणन आदि के माध्यम से लाखों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बन रहे हैं। मुझे लगता है कि गांव के संसाधन को जब गांव के लोग
अपना समझकर उसे आर्थिक उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं तो यह समावेशी विकास का सबसे अच्छा उदाहरण बन जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर गांव को सचमुच में चमन बना देंगे और यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरबा की अनिमा सहाय आपसे सीधे रूबरू हैं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद आप जवाब देने का कष्ट करिएगा। मेरा नाम अनिमा सहाय है, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से बोल रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। टीवी में मैं अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज, हरेली, ये सब त्योहार का एड देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का हमारी लोक संस्कृति का एड नहीं किया। जब हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही लोग बोलते हैं अरे छत्तीसगढ़ कहाँ है, लेकिन टीवी में इस तरह का एड देख करके और देश का पहचान देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ये भी बोलना था कि अगर सर स्कूल वाला शिक्षा इतना अच्छे से करते कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते तो हमको बहुत अच्छा लगता सर। अनिमा बहन, समावेशी विकास के हमारे मॉडल में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं तब हम न सिर्फ अपने मन में शांति और खुशी का अनुभव करते हैं बल्कि हमारे मन में उत्साह और उमंग भी पैदा होती है। यह ऊर्जा हमें न सिर्फ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाती है बल्कि समाज और प्रदेश की प्रगति में भी सहायता करती है। हरेली, तीजा, पोरा, भक्त माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा के अवसर पर अवकाश देकर हमने यह महसूस किया है कि ऐसे अवसरों पर लोग न सिर्फ खुशी मनाते हैं बल्कि अपने मूल्यों, आदर्शों और जड़ों से भी जुड़ते हैं। गरिमा और अस्मिता का यह जुड़ाव भी समावेशी विकास के लिए जरूरी है। मैं पिपरिया जिला कबीरधाम से कमल कांत गुप्ता बोल रहा हूँ सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सादर अभिवादन। आपने जो ग्रामीण परिवेश में, जो ग्रामीण समय से आपका इस विषय पर आपने इस बार का विषय चुना है लोकवाणी में, हम ग्रामीण भाइयों के लिए एक उत्साहवर्धन योजनाएं और किसानों के हित में है, जितनी भी अभी योजनाएं चला रहे हैं ग्रामीण परिवेश को ही लेकर है, आपको हमारा बहुत बहुत साधुवाद। मैं अखिलेश नामदेव बोल रहा हूँ पेंड्रा मरवाही जिले से। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवगठित आदिवासी बहुल जिले में हम सबकी आस है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में समग्र एवं समावेशी विकास हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस संबंध में जानने के लिए हम सभी इच्छुक हैं। ये इलाका पर्यटन से समृद्ध है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर पर्याप्त काम किए जाए तो पर्यटन यहाँ उद्योग का रूप लेगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ विकास की संभावनाएं के स्थिति में काम किया जाए। कमल कांत गुप्ता जी सहित सभी भाइयों को धन्यवाद जिन्होंने समावेशी विकास के हमारे प्रयास को समझा है। अखिलेश नामदेव जी को साधुवाद कि आपने गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला गठन का स्वागत किया है। नया जिला बनने के 6 माह के अंदर वहाँ करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। कई कार्य प्रगति पर है। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत, सरकारी अंग्रेजी माध्यम शाला तथा महंत बिसाऊ दास उद्यान की महाविद्यालय एक के बाद एक नई उपलब्धियाँ नए जिले के खाते में जुड़ती जा रही है। मैं वादा करता हूँ नए जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार किया जाएगा, साथ ही इसे ग्रामीण विकास के रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा की प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए आज मैं घोषणा करता हूँ यहाँ इको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 7 करोड़ की लागत से विकास कार्य शीघ्र शुरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बस्तर में कॉफी, काजू, हल्दी, मक्का और इमली की ब्रांडिंग के बारे में पहले भी बताया है, जिससे जुड़कर आदिवासी परिवारों को नई राह मिली है। ऐसी ही एक खुशखबरी जशपुर की एक श्रोता दे रही हैं, आइए सुनते हैं उनकी बात। मेरा नाम मधु तिर्की है, मैं जशपुर से बोल रही हूँ। ग्राम सारोडी के 18 किसान 20 एकड़ कृषि भूमि में वन विभाग व जिला प्रशासन के सहयोग से चाय बगान का विकास किया गया है। इसके लिए शासन को हम धन्यवाद देते हैं। हितग्राही परिवार के सभी महिलाओं का द्वारा समूह का गठन किया करके चाय बगान का प्रबंधन करके पर्यटन एवं चाय पत्ती बेचकर हम लाभ उठा रहे हैं। जशपुर जिले में चाय बगान के विकास के लिए शासन की योजना क्या है ताकि अधिक से अधिक किसानों को विकास
कम लाभ प्राप्त हो सके। सही कहा मधु जी ने, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के उपज होती है और यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो उनसे स्थानीय लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हमने इसी दिशा में प्रयास शुरू किया है, अनाज के साथ फल, सब्जी, कॉफी, चाय आदि सब चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि विपणन की अच्छी व्यवस्था हो ताकि अधिक उत्पादन का लाभ मिले। पूर्व में निरस्त किए गए वन अधिकार पट्टों की समीक्षा करते हुए व्यक्तिगत पट्टे देने में तेजी लाए हैं। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक पट्टे में भी बहुत बड़े पैमाने पर जमीन आवंटित की जा रही है। 4.5 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे और लगभग 40 लाख एकड़ भूमि आवंटित करते हुए हम देश में प्रथम राज्य बन गए हैं। हमारा प्रयास है इस पहल का लाभ भी आदिवासी और परंपरागत वन निवासियों को नई तरह के लाभदायक खेती के रूप में मिले, अर्थात जो तबका खेती से दूर था उसका समावेश भी किया जा रहा है। पहले भी हमारी कर्ज माफी और अच्छे दाम दिलाने के पहल से लाखों किसान फिर से अपने गांव और खेतों की ओर लौटे हैं। ये हमारे समावेशी विकास के प्रयासों की बड़ी सफलता है। कोरोना संकट काल में हमारे 7 लाख से अधिक मजदूर वापस लौटे हैं, उनमें से ज्यादातर को मनरेगा में काम मिला, स्थानीय उद्योग धंधों में रोजगार मिला है। हमारी कोशिश है उनकी स्किल मैपिंग व कौशल उन्नयन से राज्य में ही उनके लिए बेहतर काम जुटाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ श्रोताओं ने पर्यटन के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की है। देवगुड़ी से लेकर राम वन गमन मार्ग तक को लेकर बहुत से विचार आए हैं, आइए सुनते हैं एक विचार। मैं सुरेश कर्मा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के सर्वाधिवासी समाज का अध्यक्ष हूँ। आपके एवं जिला प्रशासन के प्रयास से समस्त गांवों के देवगुड़ी सुधार का कार्य किया जा रहा है। शेड बनाया जा रहा है, तार बाड़ी लगाकर पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, पाथवे एवं शौचालय बनाया जा रहा है। इसके लिए आपका एवं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से हमारे सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे मूल वासियों का परंपरा को जीवित रखने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे सभी ग्रामवासियों ने खुश होकर क्रिया किया है कि हम अपने गांव में स्वच्छ रखेंगे, गांव के सभी बच्चों को शाला भेजेंगे, शौचालय का उपयोग करेंगे एवं बैगा गुनिया के पास ना जाकर अस्पताल में इलाज कराएंगे, क्षेत्र को कुपोषण मुक्त और एनीमिया मुक्त कराएंगे। गर्भो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को हम आपके सहयोग से जरूर हासिल करेंगे। मैं आपको अपने क्षेत्र के देवगुड़ी के पल भेजूंगा, आग्रह है आप अवश्य ग्रहण करेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी समाज। सुरेश कर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी देवगुड़ी का ये पल जरूर भेजिएगा, उसकी मिठास में बस्तर के माटी की महक, संस्कृति की चमक और आस्था की गमक होगी। मेरा मानना है कि देवगुड़ी का विकास हो, राम वनगमन पथ का विकास हो, माता कौशल्या के मंदिर परिसर का विकास हो, यह सब कुछ हमारी संस्कृति से ही नहीं बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय विकास से भी जुड़े हुए विषय हैं। इसलिए हमने चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर व राम वनगमन पथ के विकास का बीड़ा भी उठाया है। भगवान राम हमारे लिए लोक आस्था के केंद्र में है, इसलिए लोक आस्था में कोरिया जिले से सुकमा जिले तक जो 2260 किलोमीटर का परिपथ है, वहाँ के 16 जिले में 43 स्थानों का विकास किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा और आजीविका के नए साधन विकसित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन आपने हर मापदंड में छत्तीसगढ़ को संभाल कर रखा है। किसानों की समृद्धि, बेरोजगारी की दर हो या उद्योगों की रफ्तार, आखिर आपने कौन सा जादू कर दिया है? देखिए, मैंने कोई जादू नहीं किया है, बस यह देखा है कि किसी भी तरह किसानों, ग्रामीण आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं की जेब में नगद राशि डाली जाए, जो 1.5 साल में 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस तरह प्रदेशवासियों को मान सम्मान के साथ उनके स्वावलंबन का रास्ता बनाया है। हमारी योजनाओं से हर एक तबके को लाभ मिला। बिजली बिलाफ, छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री, गाइडलाइन दरों में 30% की कमी, पंजीयन शुल्क में कमी, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा, भूमिहीन को भूमि प्रदाय और ऐसे अनेक सुधार किए
जिसके कारण आम आदमी का जीवन आसान हुआ है। इस तरह लाखों लोगों के हाथ प्रदेश के अर्थव्यवस्था को संभालने में मददगार बने। हमने कोरोना संकट के बीच एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन यथावत रखा, कोई कटौती नहीं की, वहीं प्रवासी मजदूरों सहित उद्योग, व्यापार और कारोबार जगत पर विश्वास किया। किसानों से लेकर व्यापारियों तक सबके बीच हमारा विश्वास का रिश्ता बना है। उसी के कारण खेती भी चली और उद्योग के पहिए भी चले। हमारी नीतियों से गाँव से लेकर शहरों तक वित्तीय तरलता बनी रही, जिससे लोगों को रोजगार मिला और बेरोजगारी दर घटी है। हमने यूपीए सरकार के महात्मा गांधी नरेगा योजना की विरासत को संजोया और उसमें प्राण फूके, जिसे देश में मनरेगा के तहत काम और मजदूरी देने वाले अग्रणी राज्य बने। तेंदुपत्ता संग्रहण मजदूरी 4,000 रुपये करके ही चुप नहीं बैठे, बल्कि लघु अनुपज की खरीदी 7 से बढ़ाकर 31 वस्तुओं तक पहुंचा दी है। जो महुआ 17 रुपये में बिकता था, उसे 30 रुपये किलो में खरीदा। ऐसे तमाम काम जनता की जरूरतें और दुख दर्द को समझने वाली सरकार ही कर सकती है। अपनी संस्कृति से लेकर जनता के आर्थिक स्थिति तक से सीधा जुड़ाव, उसके स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हर परिस्थिति में शिक्षा दीक्षा के इंतजाम, पोषण और प्रगति के इंतजाम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। लॉकडाउन के बीच भी PDS, आंगनवाड़ी, मध्यान्ह भोजन योजना, कुपोषण मुक्ति अभियान पूरी गति से चलता रहा, जिसके कारण कुपोषण की दर में भी कमी आई है। ऐसे सभी प्रयास जो आम जनता या कमजोर तबकों को सीधे मदद करते हैं, ये सब समावेशी विकास के प्रयास ही हैं, जिसका नतीजा राज्य के सर्वांगीण विकास के रूप में मिल रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो श्रोताओं, अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 11 अक्टूबर 2020 को होगा। विषय होगा नवा छत्तीसगढ़, हमर विकास, मोर कहानी। विषय एक बार फिर सुन लीजिए, नवा छत्तीसगढ़, हमर विकास, मोर कहानी। इस विषय पर हमारे श्रोता अपने विचार 23, 24 और 25 सितंबर 2020 के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही आप दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर है 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।